मध्य प्रदेश में जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, नेताओं में वार पलटवार तेज होता जा रहा है। लेकिन अब यह जुबानी जंग बदजुबानी में तब्दील हो गई है। सूबे में बीजेपी के वरिष्ठ नेता और राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने एक बार फिर ऐसा बयान दिया है जिसे लेकर सियासी पारा गर्माना तय है। कैलाश विजयवर्गीय ने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की तुलना रावण से की है। मध्य प्रदेश में 28 नवंबर को विधानसभा का चुनाव होना है, जिसके लिए सभी दल एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी भी लगातार सूबे का दौरा कर रहे हैं। इस दौरान वो रैलियों और जनसभाओं के साथ साथ धर्म की सियासत भी कर रहे हैं। कभी वो शिव भक्त बन जाते हैं तो कभी नर्मदा भक्त बनकर जनता के दिलों में जगह बनाते हैं। लेकिन बीजेपी को राहुल गांधी का ये धार्मिक अवतार रास नहीं आ रहा। तभी तो बीजेपी के वरिष्ठ नेता कैलाश विजयवर्गीय ने विवादित बयान देते हुए राहुल की तुलना रावण से की है। दरअसल विजयवर्गीय से राहुल के भक्त वाले अवतार को लेकर सवाल पूछा गया था, जिस पर उन्होंने कहा कि हमने रामचरितमानस पढ़ी है, जिसमें बताया गया है कि रावण माता सीता का हरण करने साधु के वेश में आया था। ठीक वैसे ही अब प्रजातंत्र रूपी सीता का हरण करने के लिए गले में दुपट्टा डाल लेना, जनेऊ पहन लेना और तिलक लगा लेना, ये रावणी मानसिकता नहीं है तो क्या है? उन्होंने कहा कि जनता सब समझती है और वो इस रावणी प्रवृत्ति के साथ कभी नहीं जा सकती। यहाँ उन्होंने इशारों इशारों में राहुल को रावण बताया है। वहीं उनके इस बयान के बाद सियासी पारा गर्मा गया है। कांग्रेस ने बयान की कड़ी निंदा करते हुए विजयवर्गीय को सोच समझकर बोलने की नसीहत दी है और कहा है कि जनता को धोखा कौन दे रहा है ये सभी जानते हैं, लिहाजा वो जनता को ज्ञान ना दें। डीबी लाइव की रिपोर्ट। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए यूट्यूब पर टाइप करें डीबी लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें, ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए डीबी लाइव, क्योंकि यहां हैं खबरें लगातार।